हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इतिहास की प्रमुख घटनाएं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्री ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर दें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू। आज के इस वीडियो में हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करवाए हैं और लास्ट में एक सवाल आप सभी लोगों से पूछा है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? सही उत्तर इसका ऑप्शन है ये वाला, 1500 ईसा पूर्व पहले भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। देखिए, ईसा पूर्व और ईसवी में क्या डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। ईसा पूर्व को हम इंग्लिश में बीसी कहते हैं और ईसवी को हम एडी कहते हैं। इनके बीच में जो जीरो वाला सन है, इसमें जन्म हुआ था ईसा मसीह का। तो इनके पहले, जन्म से पहले जो बीसी वाले जो ईयर्स है, इसे हम बीसी ईसा पूर्व कहते हैं और इनके जन्म के बाद के जो ईयर्स लगते हैं उसे हम ईसवी से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ समझिएगा, जो बीसी वाले और जो एडी वाले सन्स होते हैं इनमें एक डिफरेंस है। देखिए, एडी में प्लस में चलता है, जैसे सन 2021 के बाद क्या आएगा, सन 2022 आएगा, फिर 23 आएगा। लेकिन बीसी में क्या है, जैसे 19 यहाँ पर मान लीजिए 90 ईयर है अभी, है ना, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर 99 आएगा, फिर 98 आएगा, फिर 97, ऐसे मतलब उल्टा चलता है यहाँ पर। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस आप समझ के रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग ये डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं कि ईसा पूर्व और ईसवी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आप समझ गए। अगला सवाल है, महावीर का जन्म कब हुआ था? देखिए, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी वाला, 599 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। अब यहाँ पर देखिएगा आप, महावीर का निर्वाण कब हुआ था, इसका अर्थ कब उनकी मृत्यु हुई थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। अब यहाँ पर एक और पॉइंट समझिएगा आप, 599 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई, 468 में हुई। देखिए आप, रिवर्स में चल रहा है यहाँ पर, है ना, ये ईसा पूर्व है मतलब ये सब बीसी में है, मतलब यहाँ पर रिवर्स में चलता है। जैसे 599 में इनका जन्म हुआ था तो ये एक साल के जब होंगे तो कब होगा, 598 में जाकर ये एक साल के हो गए थे, 597 में ये दो साल के हो गए थे। ठीक है, आप समझ गए, मतलब यहाँ पर रिवर्स चलता है। इस तरह से रिवर्स चलते चलते 468 ईयर जब हुआ, ईसा पूर्व हुआ, तब जाकर इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये उल्टा कैसे हो रहा है, क्योंकि बीसी में रिवर्स चलता है और एडी में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी वाला, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये सन्स आप याद रखिएगा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखे होंगे। जो सन से रिलेटेड और जो इतिहास की जो प्रमुख घटनाएं होती हैं, तो जो वर्ड्स होते हैं उनको आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण वर्ष, इनकी मृत्यु कब हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन बी वाला, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला सवाल देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था याद रखिएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी वाला, 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इस समय के बीच में इन्होंने आक्रमण किया था भारत देश पे। अगला सवाल है, अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी वाला, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अगला सवाल है, विक्रम संवत का आरंभ किस वर्ष से हुआ। ये क्या है, कैलेंडर का नाम है, ठीक है, कैलेंडर है। सही उत्तर हो जाएगा इसका, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। अगला सवाल है, शक संवत का आरंभ किस वर्ष से हुआ। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल और कई बार एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। सही उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन डी वाला, 78 ईस्वी में शक संवत का आरंभ हुआ था। अगला सवाल है, हिजरी संवत का आरंभ किस वर्ष से हुआ। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी वाला, 622 ईस्वी से हिजरी संवत का आरंभ हुआ है। अगला सवाल है, फायान भारत में कब आया था। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल, ये भारत में कब आया था, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला, 405 से 11 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। अगला सवाल है, हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक का रहा था। महत्वपूर्ण सवाल, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी वाला,
याद रखिएगा ईयर 606 से लेकर 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल रहा है, इसने राज किया है। देखिए अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कौन थे, इनके और पीढ़ियाँ कौन सी रही हैं, इनके बाद कौन आए हैं, तो इनके ऊपर मैं वीडियोस पहले भी बना चुकी हूँ। मैंने सारी चीज़ें आपको लाइन वाइज समझाई है, आपको प्लेलिस्ट हर बार आपको किसी भी वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट हर बार डालती हूँ, वहाँ पर हमने कवर कर लिया है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो वहाँ पर आपको A to Z चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी विद MCQs, तो आप पहले वो देख सकते हैं या फिर ये जो डेट्स हैं इन्हें आप याद रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण डेट्स हैं। अगला सवाल है, हैनसांग भारत में कब आया था? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है इसका 630 ईस्वी में। हैनसांग भारत में कब आया था? 630 ईस्वी में आया था। अगला सवाल है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन सी वाला, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। अगला सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी वाला, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी वाला, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी वाला, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। देखिए आप इन डिजिट्स को अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। आप इसे हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए या फिर आप इनकी डिजिट्स एक एक करके पढ़िए। ठीक है, आप जैसे भी इसे याद कर सकते हैं आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी वाला, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में आया था। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताइए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी वाला, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी वाला, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तीनों आपको याद रखने होंगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए वाला, 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, तीनों आपको याद रखने हैं। देखिए 1526 उसके बाद 1761 ईस्वी। ठीक है, तीनों युद्ध आपको याद रखने हैं क्रम से। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, द्वितीय हुआ था 1556 में और तृतीय हुआ था 1761 ईस्वी में। अगला सवाल है, अकबर का राजरोहण किस वर्ष में हुआ था? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी वाला, 1556 ईस्वी में अकबर का राजरोहण हुआ था। अगला सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बताइए सही उत्तर क्या होगा इसमें से? सही उत्तर ऑप्शन सी वाला, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, दिन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की गई थी? ये सवाल भी एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, बताइए सही उत्तर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन बी वाला सही होगा, 1582 ईस्वी में दिन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? महत्वपूर्ण सवाल, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल, सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी वाला, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? कब हुआ था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी वाला, 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल, सही उत्तर क्या होगा इसमें से? सही उत्तर ऑप्शन बी वाला, 1905 ईस्वी में बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ था। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सही उत्तर क्या होगा इसका? याद रखिएगा, सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी वाला, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, मार्ले मिंटो सुधार कब लागू हुआ था? कब हुआ था?
सन 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार लागू हुआ था। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। प्रथम विश्व युद्ध, याद रखना है सभी लोगों को, ऑप्शन बी सही होगा। 1914 से 18 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, ठीक है। 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, सन 1939 से सन 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। याद रखिएगा ये दोनों सन हैं। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? सन 1914 से 18 ईस्वी तक चला था, और द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से 45 ईस्वी तक चला था। अगला सवाल देखिएगा, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? सही उत्तर इसका ऑप्शन ए वाला, 1920 से 22 ईस्वी तक असहयोग आंदोलन चला था। अगला सवाल है, साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। अगला सवाल है, गांधी जी ने नमक आंदोलन कब शुरू किया? डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला, 1930 ईस्वी में गांधी जी ने नमक आंदोलन शुरू किया था। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन डी वाला, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी वाला, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर इसका ऑप्शन बी, 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी। अगला सवाल है, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए वाला, 1962 ईस्वी में चीन का भारत पर आक्रमण हुआ था। अगला सवाल है, भारत पाक युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन डी, 1965 ईस्वी में भारत पाक का युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान का। अगला सवाल है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? देखिए जब ये युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसके बाद एक समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण समझौता है यह। इसके बारे में मैंने डिटेल से समझाया, वैसे जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं अभी तक मैंने कवर करवाई आपको, इनके ऊपर मैं सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल से पहले भी समझा चुकी हूँ। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका, ताशकंद समझौता। सन 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था। अगला सवाल है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर इसका ऑप्शन सी वाला, सन 1767 से 69 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ये चार बार हो चुके हैं, ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, चार आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, चारों की डेट्स आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? चारों के सन आपको याद रखने हैं। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी वाला, सन 1780 से 84 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर होगा इसका, सन 1790 से 92 ईस्वी तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? देखिए चार हुए हैं यह, टोटल चार। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए वाला, सन 1799 ईस्वी तक चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो चुके थे, है ना, चार आंग्ल मैसूर युद्ध हो चुके थे। मतलब शुरुआत कब हुई थी इसकी, सन 1767 से इसकी शुरुआत हुई थी, इस तरह से टुकड़े टुकड़े में होता रहा, और सन 1799 ईस्वी तक चार चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो चुके थे। अगला सवाल है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर क्या होगा इसका, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल, याद रखिएगा, सन 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी वाला, 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला सवाल है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? गोलमेज सम्मेलन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी वाला, सन 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उस समय दौर था गांधी जी, नेहरू जी इनका। अगला सवाल है,
तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए वाला, 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला सवाल है, क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी वाला, सन 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। अगला सवाल है, चीनी क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी सन 1911 ईस्वी में, सन 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति हुई थी। अगला सवाल, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? सही उत्तर क्या होगा इसका, सन 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। याद रखना है आपको, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं। लास्ट में एक सवाल आप सभी लोगों से पूछा है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। सवाल है, रूसी क्रांति कब हुई थी? सही उत्तर क्या होगा इसमें से, चार ऑप्शन है आपके पास, जो भी सही उत्तर है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। इतिहास के प्रमुख घटनाएं आज की इस वीडियो में हमने कवर कर ली हैं, महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। कई बार सिर्फ सन पूछ लिए जाते हैं, कई बार पूछे भी जा चुके हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर उठा के देखिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।